नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण। मेरे साथ हमारे नीलेश जी जो प्री फाउंडेशन और एनडीए विंग के हेड हैं। दोस्तों आज 13 जुलाई को सुबह 7 बजे प्री फाउंडेशन का व्लॉग शूट करने जा रहे हैं कि क्या है प्री फाउंडेशन। दोस्तों निश्चित वो स्कूल का बच्चा ही होता है, तो आप हम चलते हैं। ये स्कूल का बच्चा हमारा जिसके भी असेंबली चल रही है जी बॉस। तो सुबह आप स्कूल के बच्चों की स्कूल की तरह पहले असेंबली कराते हो, तो जो मधुर संगीत जो आ रहा है ये असेंबली का है। क्या बात है, क्या बात है। चार बेटियां मंच पे खड़ी असेंबली कर रही है। तो प्री फाउंडेशन के बारे में बताएं, आपका कब से शुरू होता है प्री फाउंडेशन? छठी क्लास से स्टार्ट होता है, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं क्लास। मीडियम क्या होता है उसका? ओनली इंग्लिश बॉस। तो प्री फाउंडेशन मीडियम नहीं होता। ये मैं थोड़ा चाहूँ गार्जियन बताना आपको कि प्री फाउंडेशन है वो हिंदी मीडियम में नहीं होता है, 6, 7, 8, 9, 10 ओनली इंग्लिश मीडियम। तो आप इसमें क्या रहता है, क्या क्या पढ़ाते हैं आप लोग इसमें? इसमें बहुत हमारे सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, मैट, SST, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हम लोग स्कूल इंटीग्रेटेड बहुत चलाते हैं, इसलिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी अपना स्कूल की अपनी जिम्मेदारी है। रोज बच्चों की असेंबली होती है जी बॉस। आप रोज असेंबली करते हो पहले? Yes, क्या बात है, क्योंकि प्री फाउंडेशन का मतलब स्कूल का बच्चा ही तो है, 6, 7, 8, 9 स्कूल का बच्चा ही तो है। तो ये सारा जो बच्चा बैठा है ये आपका प्री फाउंडेशन का है। तो आज की असेंबली में खास बात और, आज जो आपके टेस्ट होते हैं उनकी मेडल सेरेमनी भी है, और पिछली बार जो कुछ बच्चे ओलंपियाड मेडल्स लेके आए थे उसके प्राइज भी है, वो भी आज आप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं 13 जुलाई 2023 को। टेस्ट शेड्यूल क्या होता है बताएं आपका? बस हमारा जो पहले बात, तो हम जो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं उनमें माइनर्स के नाम से करवाते हैं, सब्जेक्टिव करवाते हैं, ओलंपियाड टेस्ट। सब्जेक्टिव तो बोर्ड का डिस्टर्बेंस नहीं हो, बोर्ड याद है आपका जो हर्ष टोपर है एसटीसी का 2022 का है, तो उसके एसटीसी का स्कोर भी 170 आउट ऑफ 180 है, बोर्ड का परसेंट उसका 96.90 कह सकते हैं। तो मतलब एक तो ये वीडियो देखने वाले साथ देखें कि प्री फाउंडेशन हो चाहे फाउंडेशन हो, इसमें बोर्ड के परसेंटेज कहीं डिस्टर्ब नहीं होते। तो स्लाइड देखें आप पूरी, इसमें ये जो हमारे 32 सिलेक्शन है एसटीसी में, इस सेशन में किसी बच्चे के बोर्ड में कहीं किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। और खास बात है सारा बच्चा फिर 10th के बाद एजिट 11th सीएलसी आगे ज्वाइन करता है, कोई जे विंग में आता है, कोई नीट विंग में आता है। अब आपको बताता हूँ कि इनका टेस्ट शेड्यूल क्या रहता है। बिल्कुल दिमाग यही काम करना सीएलसी वाला, तो शेड्यूल वहां भी वही है कि प्री फाउंडेशन एक सीएलसी का पार्ट है। 6, 7, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन बोलते हैं, यही बच्चे आगे जाके बहुत आगे निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल है चाहे संजय पूनिया हो, 9th से हमारे पास था, अभी 12th IIT दिल्ली गया, चाहे हमारा देवराज यादव 9th से हमारे पास आ रहा, नीट का स्कोर 700 लाया, चाहे इतिहासी फोगाट हो वो हमारे पास 9th क्लास से है, चाहे हमारा लोकेश चौधरी हो 9th क्लास से है, चाहे पीताम्बर जगावत हो, ये सारे बच्चे वो जो हमारे पास 9th क्लास से आगे थे, ये बहुत अच्छा रिजल्ट इन लोगों ने बनाया। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, बाकी लंबी लिस्ट है। तो सबसे पहले एडमिशन जब आपके बच्चे का होगा, एक प्रिंटेड शेड्यूल आपके बच्चे को दिया जाता है, ओके, सारे प्रिंटेड सिलेबस बच्चे को दिया जाता है। इसमें आपका एसटीएससी है, एनटीएससी है, अन्य और ओलंपियाड्स हैं, उन सब के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो प्रिंट करके बच्चे को दिए जाते हैं। क्लास में चलेंगे तो बच्चों के हाथ में दिखाएंगे भी। फिर हर 4 वीक पे टेस्ट होता है, उसके बाद बच्चे का मंडे को उसकी आंसर की देते हैं। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मंडे का आंसर की देते हैं ताकि बच्चा पेपर डिस्कस कर ले, मंगल को पूरा पेपर टीचर सोल्व करता है, और फिर नो डाउट कॉम्पिटिशन है तो बच्चों को रैंक पता होना बहुत जरूरी है, मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मुझे और क्या इंप्रूव करना है। तो दोस्तों बुधवार की शाम तक रैंक डिस्प्ले हो जाती है, और थर्सडे को बच्चे घर एक SMS के थ्रू टेक्स्ट मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा यहाँ खड़ा है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। फिर आपका कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ दोस्तों मिड सेशन टेस्ट चलती है। कहने का मतलब ये है कि एडमिशन से लेके बोर्ड के एग्जाम तक ये बच्चा अंगेज रहता है, और सब्जेक्टिव को लेके कोई टेंशन होती नहीं है। टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, टेस्ट सब्जेक्टिव भी होते हैं। और इस साल तक नई बात जोड़ दी अपन ने कि हमारा सीआई स्कूल जो है CBSE का, वहां बहुत अच्छे ग्राउंड्स हैं, तो इनको हम मंथ में 1-2 बार छोटी क्लासेस के बच्चों को ग्राउंड विजिट भी करा रहे हैं, तो बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो रही है, लैब तो कहने की बात ही नहीं है। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि आज सिंपल स्कूल का जमाना चला गया। आज ये वीडियो 13 जुलाई 2023 को शूट कर रहा हूँ, यदि आप 20 जुलाई तक इस वीडियो को देख रहे हैं, 20 जुलाई 2023 तक, तो आप इसी सेशन में 6, 7, 8, 9, 10 में आके एडमिशन ले सकते हैं। और इस वीडियो को उसके बाद आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप एडमिशन के लिए मूव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग असेंबली ग्राउंड पे खड़े हैं जी, और आपके इस बच्चों का सारा ड्रेस कोड है, कार्ड है, बिल्कुल एक वही लेवल वही रहता है। आप एक बच्चे से बात करते हैं, बेटा आप कहाँ के हो? अजमेर। क्या नाम आपका? मुकेश। आप किस क्लास में हो? 8। तो बिल्कुल देखो शानदार आपके टी शर्ट, और एक छोटा कार्ड, एक बड़ा कार्ड, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। पापा क्या करते हैं आपके? बिजनेस में।
दोस्तों आओ, छोटी छोटी आंखों में बड़े सपने कैसे देखे जाते हैं वो आपको दिखाते हैं। ये हमारे सिक्स के बच्चे हैं दोनों, तो छठी क्लास में आ गए, तो मुझे वो श्रवण याद आ गया जो छठी क्लास में हॉस्टल चला गया था। दोस्तों हम लोग भी छठी में हॉस्टल में आ गए, उसी की देन है कि आज कुछ बन पाए। आपका नाम? हिमांशु। आपका नाम? मयंक। आप कहाँ के हो बेटा? आप लक्ष्मणगढ़ से। ये क्लास वाइज असेंबली बच्चे बैठे हैं, सिक्स है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, टेंथ है। तो आओ दोस्तों अब मिलाता हूँ मेरी उन छोटी छोटी बेटियों से जो सिक्स से, सेवन्थ से, एट्थ से, नाइन्थ से हमारे पास यहाँ आ जाती हैं। और जब मैं सिक्स क्लास की इस बिटिया से मिला तो मुझे मेरे बचपन में मैं और मेरी बहन दोनों याद आ गए, जब मेरे पिता ने हमें सिक्स क्लास में हॉस्टल में डाल दिया। और जैसा मैंने पता लगा ये गुड़िया सिक्स की है और जिंद हरियाणा से आए, और आपके फादर भी टीचर हैं, तो एक टीचर शिक्षा की वैल्यू समझ सकते हैं। उनको पता है कि जिंदगी में सब कुछ एजुकेशन ही है। तो आप जींद से हैं, सिक्स क्लास में हैं। आपका नाम क्या है बेटा? आप कहाँ के हो? जोधपुर। जोधपुर से आप किस क्लास में आए हो? क्यों बहुत जोधपुर से सिक्स में आ गए? पापा क्या करते हैं? क्या बात है, आर्मी के पर्सन है। तो फौजी भाई को पता है कि बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे आगे जाएंगे हमारे। कैसा लग रहा आप दोनों को यहाँ पर? कभी मन तो नहीं लगता थोड़ा थोड़ा, है ना? हल्की सी दिक्कत होती है, फिर भी बताओ आपको घर की कितनी याद आती है यहाँ पर? लेकिन याद आती है तो आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी पूरी केयर होती है? यस सर, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती। क्या बात है, आप किस क्लास में हैं? आप कहाँ से हो? रोहतक हरियाणा। आपके पापा क्या करते हैं? सिविल इंजीनियर हैं। आप कहाँ से हो बेटा? नानोडा से। आप कहाँ से हो? सीकर से हो। आप कहाँ रहते हो? हॉस्टल। पेरेंट्स साथ है? हॉस्टल। पेरेंट्स साथ है? हॉस्टल में रहते हैं। तो ये हॉस्टल है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं फिर से अब तक की बात को समराइज करता हूँ कि 6, 7, 8, 9, 10 परी फाउंडेशन के लिए आप अपने बच्चों के साथ खुद रह सकते हैं या हॉस्टल में रह सकते हैं, और खुद रह सकते हैं इसका भी आपको दिखाता हूँ। हमारे बहुत से गार्जियंस आ जाए हुए हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं परी फाउंडेशन में, जो अपने गाँव से यहाँ मकान लेके फ्लैट लेके रहते हैं। जैसा मैंने बताया तीन प्रकार से बच्चा हमारे पास है। एक बच्चा वो हमारे हॉस्टल में है, एक बच्चा हुआ जो लोकल कन्वेंस से आता है, वो सीकर पूरे शहर में कन्वेंस की व्यवस्था है, केवीएम का है, CIS का है, प्री फाउंडेशन का है, CLC क्लासरूम का कोई कन्वेंस की व्यवस्था हम नहीं दे पाते हैं। एक हमारी बहन यहाँ बैठी है, आपका बच्चा किस क्लास में बेटा? सिक्स क्लास में। आप कहाँ से हो? हाँ आपका ड्रेस कोड भी है ना जोधपुर वाला है। तो आप यहाँ कब आए? तो आप आपके कितने बच्चे? एक बच्चा है परिवार के, दो बच्चे और पढ़ रहे हैं आप? दो बच्चे, एक लड़का। तो दोनों बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं? और आप बच्चों के लिए सीख रहे हो जोधपुर से। आपके बच्चे किस क्लास में? आप कहाँ से हो बेटा? तो आपने फ्लैट ले रखा है यहाँ पर। आपके बच्चे? सेवंथ में है। आप फ्लैट लेके रहते हो यहाँ पे। आप कहाँ से हो? निमका थाना। नारनौल से। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। आपका बच्चा किस क्लास में है? एट्थ में है। आप कहाँ से हैं? बच्चे किस क्लास में है? टेंथ में है। आपके बच्चे किस क्लास में है? आप कहाँ से हैं? खेतड़ी से हैं आप। आप कहाँ से हैं? आपके बच्चे किस क्लास में है? टेंथ में। आपकी संस्था कौन कौन से कोर्सेज चलाती है आप जानते हैं? 6, 7, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन है, 11, 12 फाउंडेशन है, 12 के बाद टारगेट है, नीट भी है, जेई भी और एनडीए भी है। जैसा नीलेश जी आप जानते हो, एनडीए इंचार्ज भी है। इसके अलावा हमारा खुद का स्कूल है केवीएम। आप पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं हमारा केवीएम का बिल्डिंग है। तो ये अपना स्टेज है जहाँ अपना विजयोत्सव होता है, बच्चों मेडल्स देते हैं। तो दोस्तों ये आज हमारी शुरू कर रहे हैं मेडल सेरेमनी। आप है अर्जुन योगी, तो आप कहाँ से हो बेटा? पापा क्या करते हैं? क्या बात दोस्तों, ये बच्चा दिल्ली से आया है, इसके फादर बिजनेस करते हैं। तो आप सीकर आने के पीछे कारण क्या आपका? सीकर में ऐसे एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जो दिल्ली। तो आपको यहाँ की थोड़ा लगता है मैं गलती कर दी जाके? तो आप क्या कहना चाहेंगे बाकी फ्रेंड्स को अपने? सीएलसी में बहुत ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जो बच्चों को ऐसे, मैं जैसे अपनी बात करूं तो दिल्ली में ऐसा मेरे को एनवायरनमेंट नहीं लगा जो सीएलसी में आके लगा। थैंक यू। आप कहाँ रहते हो यहाँ पर? यहाँ पर मैं हॉस्टल में रहता हूँ। कौन से हॉस्टल रहते हो? क्या बात है, आप हॉस्टल में रहते हैं। दोस्तों आप कब से पढ़ रहे हो? नाइन्थ से पढ़ रहे हो। तो लास्ट नाइन्थ में तब टेंथ में आप आ गए बोर्ड के, आपका सीबीएसई आरबीएसई। क्या बात है दोस्तों, वो लोग का पूरा साल आ गया। अब सीना चीर के दिखाएं, ये तो हनुमान जी में है नहीं, दिल्ली का बच्चा के फादर बिजनेसमैन है, सीकर आता है, हॉस्टल में रहता है, बच्चे के चेहरे से लग रहा है संतुष्ट है। रिजल्ट फिर से कहता हूँ, आप सेलेक्ट है ओलंपियाड में, सिल्वर जोन में, फर्स्ट में भी सिलेक्ट है, सेकंड में भी सिलेक्ट है। ये आपका दोस्तों चेक है बेटा जी, ये सरकार के द्वारा एजेंसी ने दिया है, जो एजेंसी एग्जाम करवाती है। और ये आप इस बच्चे के सर्टिफिकेट से, एक दो तीन सर्टिफिकेट है। क्या बात है, पकड़ो बेटा इसको। जो ओलंपियाड वाले जो एग्जाम करवाते हैं, जो एनजीओ है, जो बॉडी है, उनके द्वारा मेडल भेजे जाते हैं, और ये मेडल बच्चों को दिए जा रहे हैं आज। और ये इनके सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये सारा कुछ सर्टिफिकेट बच्चे का है। अब हम लोग क्लासेज की तरफ बढ़ रहे हैं।
कि हमारी क्लासेस कैसे लगती हैं, तो आए नीलेश जी आपकी क्लास में विजिट करते हैं। ये हमारा एक फ्लोर है भावस्थली का। देखो दोस्तों, सीएलसी के पास तीन बड़ी मूल बिल्डिंग है, कर्मस्थली, भावस्थली और तपोस्थली। तो ये भावस्थली जो है एनडीए के लिए, प्री फाउंडेशन के लिए और जेई के लिए बिल्डिंग है। ये रूम नंबर 311 है। ये हमारा प्री फाउंडेशन का एक बैच है। जी बॉस। नीलेश जी, कौन से बच्चे हैं भाई? ये क्लास 10th के बच्चे। वेरी गुड मॉर्निंग। सो ये आपका 10th प्री फाउंडेशन है। दोस्तों आजकल नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे यूपीएससी हो या एनडीए हो, सभी की जो प्रिपरेशन है वो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो अपन इन बच्चों को 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में एसएसटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश और विशेष रूप से मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट या रीजनिंग कह सकते हो अपने भाषा में, वो सब तैयार करवाया जाता है। उनके टोटल नोट्स आपको दिए जाते हैं और इनका सोच, इनका विचार वही है जो सीएलसी माने के बाद होता है, क्योंकि राणा इनको मेरे साथ ही होता है। तो ये सारे 10th के बच्चे हैं। जो भी 10th के साथ आप अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स दोगे, एनटीसी दोगे, एसटीसी दोगे, जूनियर ओलंपियाड दोगे, मैथ्स का एग्जाम दोगे, लगभग 28 ओलंपियाड ये बच्चे पूरी साल में देते हैं। अभी आपका 10th का आई थिंक आधा कोर्स पूरा हो गया, तो अगले 2 महीने में आपका 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक तो आपको बच्चों, आपको भी कहना चाह रहा हूं, लोग उनको भी कहना चाहता हूं कि एक तो प्री फाउंडेशन के साथ बोर्ड के रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं होती है। जैसा आप सब जानते हैं, लास्ट में अपना टॉपर हर्ष है। हर्ष का स्कोर एसटीसी का 178 है आउट ऑफ 180, उसका बोर्ड का स्कोर भी 96.97% कह सकते हैं। तो आप बताएं, आपके जो बच्चा प्री फाउंडेशन का सुबह 6 से लेकर रात को 11 बजे तक इनका शेड्यूल क्या रहता है? जी बोल, जैसे कि आपने देखा, वो बच्चा सुबह 7 बजे असेंबली में, असेंबली से आए हैं अपन लोग। जी बोल, उसके बाद में बच्चा 7:30 से क्लास में बैठता है, 11 बजे इनका लंच होता है, 11:30 बजे वापस क्लास में बैठते हैं, 1:30 तक इनकी वापस क्लास होती है। ठीक है, 1:30 बच्चा चला जाता है। ठीक है, उसके बाद में बॉस ये बच्चा 3:00 वापस आता है अपने कैंप के लिए, जो अपना एक दुनिया फेमस है अपना कैंप। जी बॉस, 3 बजे से लेके ये 6 बजे तक कैंप में बैठता है बच्चा, फिर 6 बजे से लेके 6:30। मैंने देखा कि 3 से 6 खुद पढ़ते हैं। हाँ, बच्चों, फिर 6 बजे बाद स्टाफ बैठा होता है, उनके डाउट क्लियर करता है। 6:30 क्या, जब तक डाउट, क्यों भाई, जब तक आप डाउट पूछते टीचर वहां रहते हैं। इसके बाद फिर हमारी जो सबसे फेमस असेंबली है, वो दुनिया की यूनिक अप्रोच है हमारी, उसमें बच्चा बैठता है, फिर डिनर के लिए मेस में चला जाता है बच्चा, उसके बाद वापस 8:00 आता है। फिर 8 से 11 आपका कैंप सेल्फ स्टडी। तो कहना करती है कि 7 से 2 यहाँ रहा, 3 से 6 यहाँ रहा, 8 से 11 यहाँ रहा। तो 3 से 6, 8 से 11, 6 घंटे तो आप इनको सेल्फ स्टडी कराते हो, 6 घंटे इनको पढ़ाते हो और उनके डाउट खत्म कर देते हो। ये है, तब जाके आपका रिजल्ट बनता है। जैसा कि आप बता रहे थे कि लास्ट ईयर एसटीएससी में आपका 32 बच्चा सिलेक्ट है 10th का, अपन 12th की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, वो तो कोचिंग का मैटर हो जाता है। तो प्री फाउंडेशन का 32 बच्चा सिलेक्ट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। हाँ बेटा, कौन सा क्लास है? ब्लॉग को लोग देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा ये हमारा 10th का बैच है प्री फाउंडेशन का। लिमिटेड बच्चों क्लास होती है और क्राउड बच्चे नहीं होते हैं। ये सारे बच्चे हुए हैं जो 10th प्री फाउंडेशन में है, जिनका बोर्ड भी तैयार होता है, सब्जेक्ट भी तैयार होता है। तो इस क्लास में मैं देख रहा हूँ नीलेश जी, हरियाणा से कितने बच्चे हैं खड़े होना, क्या बात है, बैठे। राजस्थान के अलावा राजस्थान के बच्चे कौन हो से, वो खड़े हो जाएं, फिर पूरी बारात हो रही है, बैठे। इनके अलावा कोई बच्चे, तो स्टेट के बच्चे हैं, दिल्ली से, यूपी से, बैठे। तो आप देखें, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, सभी स्टेट के बच्चे बैठते हैं, सब लोग खुश हैं। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स यहां मकान लेके केवल उनके कारण सीख रहे हैं, खड़े हो जाओ। अब बात है, मतलब आपके पेरेंट्स केवल आपके लिए आए हैं। कहां से हो बेटा आप? हरियाणा से हो, तो यहां आपके साथ कौन, आपके मम्मी यहां रहते हैं। पापा क्या करते हैं आपके? पापा कहां जॉब कर रहे हैं? पापा वहां जॉब करते हैं। मम्मी तेरे केवल तेरे लिए आई है, कितना त्याग किया मम्मी ने, क्या बात, थैंक यू। बैठे, अभी आपने देखा सुबह असेंबली में कुछ बच्चों नगद पुरस्कार मिला है ना, बताना नगद पुरस्कार कैसे कैसे बच्चों को मिला हुआ है। जिसमें क्लास 7th में मिला है बच्चे को आरव है, पुनीत है अपना, 10th में जो अर्जुन योगी है उसको, कितने पैसे मिले? उसको मिला 2,500 रुपए, लेकिन जो मैंने अभी बताया आरव और पुनीत, उनको 35,000 रुपए मिले हैं। 35,000, बात है यार। उन बच्चों को दिल्ली जंतर मंतर भी जाके आए थे वो बच्चे। अच्छा, जो अभी बाजिया सर जी के साथ गए थे। राजस्थान और हरियाणा के अलावा अन्य स्टेट के बच्चे आप में हो, तो खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। कहाँ के हो? बिहार, क्या बात, बिहार से आप आए हो, किस क्लास में आ गए यहाँ पर? 8th में, सीएलसी में हो। आपको किसने बताया सीएलसी के बारे में बेटा? आप 8th, बहुत छोटे, अभी छोटे हो तो और छोटे होंगे आप।
क्या बात, खुश है आप यहाँ पर। दोस्तों प्री फाउंडेशन का एक बहुत पहला प्लेटफॉर्म है संस्था के अपने खुद के मॉड्यूल से, ये मॉड्यूल बायोलॉजी का है। तो आप देखो उसी पैटर्न पे जैसे सीएलसी में नीट के लिए जेई के लिए होते हैं कंप्लीट मॉड्यूल है, उसके बाद थ्योरी है, और इस बार तो हमने इनको पीवाईक्यू बांट दिया जी बॉस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी एनटीएससी एसएससी बांट दिए, पीवाईक्यू दे दिया 2017 से 2022 तक। तो 17 से लेके 22 तक एनटीएससी एसएससी पेपर जो आए वो भी आपको दे दिए। क्यों बच्चों, तो आप अभी से अपडेट है। अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अभी तो अभी 2 साल हमारे साथ रहोगे आप, 9th में रहोगे, 10th में रहोगे, और 10th के साथ 9th के साथ तो एग्जाम देने देने हैं, 10th के साथ आपका मूल एग्जाम होगा कौन है, एनटीएससी और एसटीएससी। इसके अलावा मैथ के ओलंपियाड हैं, जूनियर ओलंपियाड हैं, वो सारे एग्जाम देने आपको। बढ़िया बढ़िया करोगे सब? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। हैप्पी हैप्पी? यस सर। कौन सी क्लास है बेटा आपकी? 10th है आरबीएससी। अच्छा 10th में अलग अलग बैच है, 10th आरबीएससी अलग है, 10th सीबीएससी अलग है। एक बात को नीलेश जी, ये 10th के बच्चे हैं तो इनका आप कोर्स कब तक पूरा करा दोगे? 10 सितंबर बॉस, लास्ट महीना सितंबर तक जी बॉस। हो जाए बच्चों, आया ना, मतलब 10 सितंबर को आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा क्लास आपको दिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल खुला सा क्लास है, पूरी क्लास एयर कंडीशनर है, एक परफेक्ट फर्नीचर है, प्रॉपर व्यवस्था है, और आप देखें कहीं बच्चा और क्राउड नहीं है, एक बेंच पे आराम से खुल के से बच्चे बैठे हुए हैं। उसी की देन है कि अच्छे एटमॉस्फेयर में, अच्छी टीम के साथ, अच्छे मैनेजमेंट के बच्चे काम करते हैं, तभी ये बच्चा दोस्तों राजस्थान से बाहर से भी सीएलसी आता है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं तभी सीकर में 10th क्लास में भी राजस्थान के करीब करीब सभी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट के नाम बताऊं, वो बच्चे खड़े होते जाएं। नागौर का बच्चा है, शाबाश, खड़े हो जाएं। जयपुर से, वेरी गुड। अलवर से, झुंझुनू से, चूरू से, हनुमानगंगानगर से, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर से, पाली, सिरोही, जालौर से, थैंक यू, दौसा, धौलपुर, करौली, भरतपुर, क्या बात है बैठे। दोस्तों ये हमारा बैच है 10th सीबीएसई प्री फाउंडेशन। ये जो ब्लॉग से हम आपको दिखा रहे हैं हमारा प्री फाउंडेशन, मैं बात को समराइज कर देता हूँ कि 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10th में ये चलता प्री फाउंडेशन। बच्चे की शेड्यूल बता दिया आपको, सुबह बच्चा 6 बजे उठता है, इंस्टीट्यूट आता है, उसकी असेंबली होती है 7 बजे, उसके बाद वो क्लास आता है 7:30 पे, फिर वो 2 o'clock तक यहाँ रहता है, फिर वो अपने रूम पे जाता है, रेस्ट करता है, 3 से 6 वो सेल्फ स्टडी के लिए आता है, 6 से उसका डाउट काउंटर होता है, 8 बजे हमारे यहाँ कैंप लगता है, 8 से 11 रात को फिर ये बच्चा पढ़ता है, 6 से लेकर रात को 11 बजे तक बहुत एक अच्छे माहौल में। कोई प्रेशर नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ प्रेशर है ही नहीं कि शाम की असेंबली होती है, सुबह असेंबली होती है, ना हमारे यहाँ बोर्ड की टेंशन है, ना टेंशन आपको ओलंपियाड वगैरह की है। हमारे बच्चे ओलंपियाड भी सिलेक्ट होते हैं, एसटीएससी भी होते हैं, एनटीएससी भी होते हैं, और बोर्ड को तो फुटबॉल करके आते छोटे हमारे वाले। तो ये सारे बच्चे जो हैं, ये हमारा 10th इंग्लिश मीडियम का बैच है सीबीएसई बोर्ड का। कुछ गार्जियन कन्फ्यूज होते हैं कि साहब बच्चा सीबीएसई का है, आरबीएससी का है, तो कैसे कराओगे? तो सीबीएसई का अलग क्लास है, आरबीएससी का अलग क्लास है। ये क्लास है 9th आरबीएससी इंग्लिश मीडियम, आरबीएससी। खैर मीडियम तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ। जो आपका होता है प्री फाउंडेशन, किस मीडियम होता है? केवल इंग्लिश मीडियम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बैठे। आप किस क्लास के बच्चे हो? 9th क्लास। तो 9th के बच्चे हो जी, सब हैप्पी हैप्पी हो? यस सर। तो एक बात बताओ, वीडियो चल रहा है, आपको जवाब हाँ या ना देना है। नरेश जी ने यह कहना है कि सुबह आप आते हो 7 बजे, असेंबली होती है, क्लास होती है 2 बजे तक, 3 से 6 कैंप होता है, डाउट काउंटर होता है, शाम को अपनी असेंबली होती है, 8 से 11 कैंप होता है, सारे काम होते हैं, सारे नोट्स दे दिए आपको, सब ठीक चल रहा है, टेस्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, रैंक बनती है, मेडल मिलते हैं, और क्या चाहिए? जय जय सीएलसी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बैठे। ये तो बहुत छोटे बच्चे लग रहे हैं भाई। कौन सी क्लास है? सब हैप्पी हैप्पी हो? यस सर। बड़ा जोश है यार, क्या बात है, सब खुश हो? यस सर। आपको सीएलसी कैसे लगती है, सही से बताओ। डांट तो पड़ती है कभी कभी? यस सर। उस डांट में वो प्यार होगा जो घर में दादा वाला प्यार है, या मम्मी वाला, पापा वाला प्यार। आप खुश है? एक बताओ, राजस्थान से बाहर के बच्चे कौन खड़े हो जाओ, हरियाणा के बच्चे बैठ जाओ, आप कहां से हो? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बच्चा मिल गया, मध्य प्रदेश का मिल गया, दिल्ली का मिल गया, महाराष्ट्र का मिल गया, बंगाल का मिल गया। इतने छोटे बच्चे कौन से क्लास के हैं? सिक्स के बच्चे हो? Yes, क्या बात है, मतलब सिक्स से आप लोगों ने पढ़ा अपना प्री फाउंडेशन कर लिया? Yes, क्या बात है। आप कहाँ के हो? हरियाणा सिक्स में ही आ गया, क्या बात है। आप है? बैठो 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 बैठे बैठे बीकानेर, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, दौसा, सोहादोपुर, चूरू, निमका थाना, सीकर, झुंझुनू, अलवर, काचरियावास, जोधपुर, हरियाणा, झुंझुनू, सीकर। तो देखो दोस्तों, सिक्स क्लास के बच्चे, एक छोटे से बच्चे को जोधपुर से है, कोई अलवर से है, आप खुश हो यहाँ? मेरी एक बात सुनना भाई, तुम्हें कई बार लगता होगा कि हमारे हमें इतने छोटे बच्चों को हमारे पेरेंट्स ने घर से बाहर क्यों भेज दिया। बेटा, पेरेंट्स इसलिए भेजा कि तुम बड़े लोग बनो, नहीं पेरेंट्स इतना प्यार करते कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज मेरी 85 ईयर ओल्ड मदर, आज भी मैं घर पे लेट होता हूँ तो चिंतित हो जाती है, वो माँ माँ होती है। इसलिए आपको बड़ा बनना है। लेकिन आज मैं बाहर पढ़ा तो आज मेरी माँ बुढ़ापे में अपनी जिंदगी की बहुत आराम जीती है। आप भी बड़े व्यक्ति बनना और अपने दादा दादी का, अपने पेरेंट्स की खूब सेवा करना और देश की सेवा करना। आर यू अग्री? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठे, ये कौन सी क्लास है भाई? नाइन्थ सीबीएसई बोर्ड। तो वही बात है, बोर्ड अलग लगे सारे। तो ये हमारे सेवंथ क्लास के स्टूडेंट है। क्यों? तो 6, 7, 8, 9, 10 का होता प्री फाउंडेशन। आप कहाँ से हो? झुंझुनू से। बैठे, आप एक बताओ, राजस्थान और हरियाणा के अलावा बच्चे हैं कोई? खड़े हो जाओ। कहाँ से हो? बिहार से। आप यहाँ आए हो तो यहाँ साथ कौन रहता है बेटा आपके? तो आप बिहार से यहाँ आने के पीछे कारण क्या रहा? पेरेंट्स यहाँ कैसे लेके आए आपको? मेरा भाई अभी जेई की तैयारी कर रहा है, उसके साथ मैं। चलो क्या बात है, एक बार ताले बजा हमारे बच्चे के लिए। तो ये देखो, एक रूम है, वो एक बहुत शानदार रूम, प्रॉपर लाइटिंग, एसी लगा हुआ है और एक खूबसूरत सा क्लास रूम हमारे बच्चों का। ये सेवन्थ के बच्चे हैं। आप में से ऐसे कितने बच्चे खड़े हो जाओ जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, खड़े हो जाओ। बैठो। ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके पेरेंट्स गांव में रहते हैं, खेती करते हैं? क्या बात। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, एजुकेशन को लेकर लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके पिता हमारी तरह बिल्कुल सामान्य, ठीक है मेरे फादर अध्यापक रहे लेकिन हम एक सामान्य गांव से निकले थे। आपके पिता खेती करते हैं बेटा? आपके फादर खेती करते हैं? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बैठे बेटा, कि आप सोचो शिक्षा को लेकर कितने अवेयर हो गए, और यही बच्चे दोस्तों आगे जाके नाम करते हैं। वैसे ही जैसे कि मेरा लाडला बेटा विश्राम मीणा है, तो ऐसे एक गाँव से पढ़ के आया था, 11th में आया था, 11th 12th किया, फिर IT किया, उसके बाद आज वो IAS। ऐसे बहुत बच्चे, एक नाम मेरे जुबान पे आ गया, सुनील धनवंता हमारा बेटा था। ऐसे सामान्य रूह के बच्चे आए और यहाँ आके आज वो कोई IAS है, कोई IPS है, कुछ बड़ी कंपनीज के CEO हैं, कुछ बहुत से डॉक्टर हैं। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं, आप अच्छा करें जिंदगी में, आगे बढ़ें, सपने बड़े करें और अवसर मिलकर उनको पूरा करें। जय जय सी एल सी, जय जय सी एल सी।